क्रीम या मैंगो कुल्फी। और इसके लिए हमें बहुत सिंपल से ग्रीन इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 1 kg मिल्क, जो दूध है वो फुल क्रीम होना चाहिए। 2 स्पून आप लोगों को चाहिए ड्राई मिल्क, या आप लोग ड्राई मिल्क पाउडर, और 2 स्पून आप लोगों को चाहिए शुगर, और 1 कप मैंगो। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो दूध था उसको डालेंगे। मैंने दूध डाल दिया, हम लोग चूल्हा जला लेंगे। और ये जो पाउडर था मिल्क पाउडर वो डाल देंगे, और चीनी भी साथ। और जब तक ये दूध आधा नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसको दूध को तब तक पकाते रहना जब तक ये आधा ना हो जाए। देखिए दूध पक रहा है, और आपने मुसलसल चमचे को हिलाते रहना है। और एक बात का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने, कि आप लोगों ने दूध को छोड़ के बाहर कहीं नहीं जाना, क्योंकि ये दूध है तो ये बॉयल होकर बाहर भी गिर सकता है। आपने हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, ताकि हम बच्चों की हौसला बढ़ाई हो। और हदीस ऑफ द डे के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दूध हमारा पक पक के आधा हो गया है, और अब हम लोगों ने चूल्हे को ऑफ कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ये देखिए दूध कितना गाढ़ा हो गया हमारा। वैसे तो आइसक्रीम में क्रीम की ज़रूरत पड़ती है, मगर हमारा ये जो दूध इतना गाढ़ा हो गया उस वजह से हमें क्रीम की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको मैंगो के साथ ब्लेंड करते हैं। सही, अब आप इसमें मैंगो डालें। अब हम इसको अच्छी तरह ब्लेंड करते हैं। देखिए ब्लेंड हो रहा है, और देखिए कितना क्रीमी क्रीमी सा लग रहा है। ये देखें, देखिए अब हम लोग इसको आइसक्रीम मोल्ड में डालने लगे हैं। आप लोग किसी बॉक्स में भी कर सकते हैं, तो मगर मैं आइसक्रीम मोल्ड में कर रही हूँ। आइसक्रीम मोल्ड में डाल के हम लोग फॉइल पेपर से इसको कवर करेंगे। अब इसको हम लोगों ने फॉइल पेपर से अच्छी तरह से साइड से कवर कर देना है, और हम लोग ताकि ये हम लोगों ने इसलिए लगाया ताकि हम लोगों की आइसक्रीम स्टिक सीधी खड़ी रहे, और ये आइसक्रीम मोल्ड पे बर्फ भी ना जमे। ये देखिए मैंने इसको फिक्स कर लिया, मैंने छुरी के छुरी से इसके ऊपर छोटे छोटे कट्स भी लगा लिए, ताकि आइसक्रीम स्टिक जो है वो हमारी स्ट्रेट खड़ी रहे। अब हम लोगों ने आइसक्रीम स्टिक्स लेनी है। ये देखिए इस तरह हम लोगों ने स्ट्रेट खड़ी कर देनी है स्टिक साइड। ये देखिए हम लोगों ने आइसक्रीम स्टिक्स डाल दी हैं, और आपने इसको 4 से 4 to 6 hours के लिए आप लोगों ने इसको फ्रीजर में रख देना है, ताकि अच्छी तरह से जम जाए। मैं अभी शाम हो रही है, तो मैं आप लोगों को सुबह दिखाऊंगी कि कैसी बनी। मैं इसको रखने जा रही हूँ फ्रीज़र में, तो मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह। देखिए जी हम लोग की ये आइसक्रीम रेडी हो गई है, मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा, तो चलिए स्टार्ट। ये देखिए अभी ये हार्ड है, निकल नहीं रही है, तो अभी हम लोग इसको गर्म पानी में डिप करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये देखिए हम लोगों ने गर्म पानी में डिप कर ली है, और अब हम लोग कर देते हैं। वाओ यम्मी। देखिए 3 मैंने निकाल ली, अब मैं आप लोगों को ट्राई करके दिखाती हूँ। यम्मी, ये तो बाजार से भी ज़्यादा मज़े की लग रही है।
प्यारे नबी ने फरमाया है हर नेकी सदका है। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखना।